में शुरू हो गया है भारतीय सेना का खेल। पाकिस्तान को बर्बाद करने की कसम खाते हुए भारतीय सेना अब बड़े पैमाने पर एक्टिव हो गई। कश्मीर को अपना निशाना बनाने वाला पाकिस्तान अब अपनी बुरी नजर जम्मू पे गड़ाए हुए है। जम्मू में घुसपैठ कराकर आतंकियों को भेजने वाला पाकिस्तान अब बुरी तरह फंसने वाला है, क्योंकि यहां से बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियों को पक्का कर दिया है। तस्वीरें देख लीजिए, जहन में उतार लीजिए। ये आतंकी अगर आपको कहीं भी दिखाई पड़ते हैं तो आपको नीचे चल रहे नंबर पर संपर्क करना है। इस समय जम्मू के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकी खुले घूम रहे हैं। उन आतंकियों को लेकर के भी जम्मू के लोगों को सेना की मदद करनी है, और साथ ही इन चेहरों को लेकर के भी जो इस समय जम्मू की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। डोडा, बदरवा, थानाला, गंडो, थात्री के लोगों को नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना है। रियासी, कठुआ और डोडा में हुए आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि आतंकी डोडा जिले के भदरवा, थात्री, गंडो के ऊपरी इलाके में एक्टिव हैं और यहीं जंगलों में छुपे हुए हैं। इस समय ड्रोन और हर तकनीक का इस्तेमाल कर इन आतंकियों को खोजा जा रहा है। एक एक आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का इंतजाम सेना कर रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकियों की सूचना देने पर बड़ा इनाम भी घोषित कर दिया है। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त भी रखी जाएगी। इसके साथ ही जो इनकी जानकारी देगा उसे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। कश्मीर के बाद अब जम्मू में भी ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर इन आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। हर एक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है। लेकिन ये काम इस समय जम्मू में मौजूद लोगों को करना है। जिन्हें कोई भी जानकारी या कोई भी संदेह हो तो तुरंत इन नंबर्स पर फोन करके जानकारी दीजिए। देश की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व जितना जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, सेना और प्रशासन पर है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अब आम लोगों पर भी आ गई है। इस समय आम लोगों के आसपास घूम रहे आतंकी किसी के लिए भी बड़ी मुसीबत ला सकते हैं। ऐसे में इनसे जुड़ी हुई एक भी जानकारी सुरक्षा बलों के बड़े काम की हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।